नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। अमूमन हमारे कपड़ों को देखकर या हमारे हाव-भाव से या यूं कहें कि हमारे मेकअप करने के तरीके से लोग हमें लेकर जजमेंटल हो जाते हैं या यूं कहें कि लोग हमें लेकर कई अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं। हाल ही में हुए एक शोध में ये बात सामने आई है कि जो महिलाएं ज्यादा मेकअप करती हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी कम होती है। तो आइए जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इस बात में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक शोध में ये बात सामने आई है कि औरतें जो ज्यादा मेकअप करती हैं, लड़कियां जो ज्यादा मेकअप करती हैं, उन्हें लेकर आसपास के लोग उन्हें लेकर एक नकारात्मकता उनमें आ जाती है, एक नकारात्मक भाव रखने लगते हैं लोग। उन्हें लगता है कि ये बाकी चीज़ों में केपेबल नहीं है और ये सिर्फ मेकअप करना चाहती हैं, इनका पूरा ध्यान अपनी खूबसूरती पर है और ये किसी भी टीम को लीड नहीं कर सकती हैं। ये पहला कोई ऐसा सर्वे या शोध नहीं है जिसमें महिलाओं को लेकर नकारात्मक बातें सामने आई हैं। इससे पहले भी कई शोध किए गए हैं जिसमें महिलाओं के कपड़ों को लेकर भी कई ऐसी बातें सामने आई हैं। कई बार ऐसा कहा गया है, कई बार ऐसे सर्वे हुए हैं कि जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं वो सामने वाले को उत्तेजित करने के उद्देश्य से ऐसे कपड़े पहनती हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। मेरा सीधा मानना है, मेरा साफ मानना है कि आप महिलाएं जो मुझे अभी सुन सकती हैं, जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं, मैं उनके लिए बात कहना चाहूँगी कि आप जैसी हैं वैसी ही रहें। आपको ज़्यादा मेकअप करना पसंद है तो आप ज़्यादा मेकअप करें, आपको छोटे कपड़े पहनना पसंद है तो आप छोटे कपड़े पहनें। किसी भी शोध या सर्वे की वजह से अपने अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना लाएं, किसी भी तरह से अपने आप को कमतर ना आंकें, क्योंकि आप कहीं से भी कम नहीं हैं। अगर आप एक कार्य क्षेत्र में जाकर कार्य करती हैं तो वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आप अपने काम में दिखाएं। आप किस तरह के पहनावे में विश्वास रखती हैं या किस तरह का मेकअप करती हैं, इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। खासकर मैं उन महिलाओं के लिए बात कहना चाहूँगी जो ज़्यादा मेकअप करती हैं, जिन्हें ज़्यादा मेकअप करना पसंद है, वो अपने लिए नेगेटिव ना हो और जो उनके आसपास नेगेटिविटी उन्हें दिख रही है, जो एहसास वो अब शायद कर सके या इससे पहले भी वो कर चुकी हैं, वो उस चीज़ को आराम से डील करें। वो किसी से भी नेगेटिव ना हो, किसी के सामने भी बुरा बोलने से बचे, अच्छे से व्यवहार करें और काम करके और अच्छा काम करके खुद के कार्य में, खुद के काम में एक बेहतर प्रदर्शन करके लोगों को गलत साबित करके दिखाएं। किसी से गलत बात करके, किसी से गलत तरीका अपनाकर कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने काम पर फोकस करें और लोगों को दिखा दें कि आप कितनी केपेबल हैं। साथ ही साथ ये बात मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी जो महिलाओं के कपड़ों, उनके मेकअप करने के तरीकों को देखकर उनके लिए नकारात्मक सोच बनाते हैं। ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें, क्योंकि किसी भी महिला के बाहरी आवरण से आप उसे जज कर रहे हैं, आप उसे नाप रहे हैं कि वो कैसी होगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। बेहतर होगा अगर आप उनके काम में या आप उनके कार्यक्षेत्र में उनके साथ हैं, आप घर में उनके साथ हैं, आप उनके आसपास कहीं रहते हैं, तो बेहतर होगा उनके लिए एक जजमेंटल ना हो, उनको लेकर जजमेंटल ना हो, उन्हें समझें। अगर आप जानना चाहते हैं उन्हें तो उनको जानें, उनको परखें, तब जाके किसी निष्कर्ष पर पहुँचे। उससे पहले सिर्फ उनके बाहरी आवरण को देख कर उनके लिए विचार बना लेना, वो भी नेगेटिव, बहुत ही गलत तरीका है। तो बेहतर होगा कि आप भी अपने विचारों को, अपने सोचने के तरीकों को थोड़ा सा बदल लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखकर मेरी ही जैसी सभी औरतें मेकअप को लेकर लोगों की जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं करेंगी और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी कम करने की कोशिश नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखते हुए कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ उन लोगों की जो हमें लेकर नेगेटिव होते हैं, आप भी अपनी सोच को बदलने का थोड़ा सा प्रयास तो ज़रूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।